कि अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो या आप सेल्फ को मैनेज करते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। टाइम को तो मैनेज नहीं किया जाता, दैट इज फिक्स, एक रनिंग रिसोर्स है। सो यू मैनेज योर सेल्फ, योर टास्क, योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। तो इसलिए दिस इज मोर टू बी कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। मैं आपको एक बिगर पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपकी लाइफ का विजन, स्ट्रेटेजिक विजन जब आप सेट करेंगे अपनी लाइफ का, तो वो किससे आएगा? टाइम मैनेजमेंट से आएगा। स्ट्रेटेजिक विजन अगर आपने बनाना है लाइफ को, आपने बहुत अच्छी लाइफ बनाना है, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, सक्सेसफुल हर लिहाज से, तो आपको स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले सपोज गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है नया, तो ये ना कहें कि कब बनाना है, तो कभी भी नहीं बनेगा ना, जब मर्जी बन जाए। मैंने जीएम बनना है कब? जब भी बन गया, तो फिर नहीं बन पाएंगे ना। तो विजन अचीव करने के लिए टाइम बाउंड चीज होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रायोरिटाइजेशन, जरूरी क्या है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, और फिर साथ आता है डिटर्मिनेशन। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो कर नहीं पाएंगे। और इसके साथ अगर आप अपने विजन को वाकई अचीव करना चाहते हैं स्ट्रेटजिकली, तो लीडरशिप स्किल चाहिए आपको। लीडरशिप स्किल क्या है? यू शेयर योर स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एवरीथिंग विद अदर्स। यू इंस्पायर अदर पीपल एंड देन यू फैसिलिटेट अदर पीपल टू बिकम लाइक यू। लीडर्स कहते हैं वी हैव टू क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स तो वॉलंटरली लोग बनते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होता लीडर का फॉलोअर बनाना। लीडर का पहला ऑब्जेक्टिव होता है जो उसको लीडर बनाता है कि वो और लीडर्स पैदा करेगा।